मैं बैठी हुई थी एंड टाइम देख लो अभी पौने नौ होने वाले हैं, तो भैया का फोन आया एक्चुअली स्टूडियो 28 वाले जो जतिन भैया है, तो बोलते कि आपके मैं गांधीनगर वाली साइड ही आया था, तो उनको पता है मेरा घर थोड़ी सी साइड है गांधीनगर से, तो एल्बम्स मेरे पास पड़ी हैं दोनों आपकी और अर्जुन की दोनों की, तो आप ले लो मेरे से। तो टाइम तो काफ़ी हो चुका था बट फिर उनका बार बार कहाँ चक्कर लगेगा इधर, तो मैं पापा को लेके जा रही हूँ एल्बम्स लेने, तो देखेंगे कैसी बनी आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल निकल पहुंचे हैं नानक नगर बड़े गुरुद्वारे के पास। पहले भैया को यही बोला था आने के लिए, भैया हल्के से लेट हैं तो हमने बोला कि आप मोनिका सुपरमार्केट के पास आ जाओ। गाइस अभी हम वापस निकल गए क्योंकि हमने जो सामान लेना था वो ले लिया एंड ये रहा हमारा सामान, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, कितना तो सारी वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है थोड़ा शब्द, आई हो तो सारी कैंट हो गए। एंड गाइज सुबह सुबह अभी तो 10 भी नहीं बजे एंड मैं लगी हूँ पढ़ाई करने, तो गाइज मेरी प्रेजेंटेशन आने वाली है तो मेरे को पढ़ना है, तो मेरे को थोड़ा से सपने भी वैसे ही आ रहे हैं खौफनाक। मतलब रात को मैं एल्बम लेने गई थी भैया से, तो फिर हमने आके एल्बम देखी, काफी प्यारी बनी है, तो मुझे लगा यार आपके साथ भी शेयर करूँ, तो वो हम बाद में करेंगे शाम को, तो अभी फिलहाल मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मिलते आपसे। हेलो गाइज, ये अच्छी है। तो यार सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फुल ऑन टू पढ़ाई चल रही थी, तो गाइस अभी जस्ट लंच किया एंड मैं सोच रही हूँ वॉक कर लेती हूँ थोड़ी, क्योंकि तब से बैठी हुई हूँ ना, तो आज का व्लॉग में मतलब ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँ क्योंकि एल्बम वाला व्लॉग मेन है, तो वो डालेंगे इसी, लो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो गाइस हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में, सोच रहे होंगे कि ये दो क्या चीजें लेके आ गई हैं, कोई नई ड्रेस ले ली है इन्होंने, कुछ नया बिजनेस खोल दिया है। एक बात बोलूं, क्या कर दिया सुबह मैंने इनको बता दिया हम क्या कर रहे हैं, लुकिंग एट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गाइस ये जो है ये एंगेजमेंट की एल्बम्स आ चुकी हैं, ये उनकी साइड की एल्बम है और ये हमारी साइड की है। हाँ। मतलब कि है तो एंगेजमेंट एक की हुई है पर इसमें उनकी फैमिली की फोटो, मतलब ये इस वाली में हमारी फैमिली मेंबर्स की ज्यादा हैं, कुछ हैं वो जो कॉमन है दोनों एल्बम्स में, ये उनके रिलेटिव की ज्यादा है। तो वन बाय वन हम आपको दोनों बताते हैं, ठीक है क्या क्योंकि यार गाइस टीजर में तो मतलब मोस्टली वीडियोस ही कवर हुई हैं एंड वो हमारी ही ज्यादा ली थी तो वही कवर हुई हैं। हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं, स्टूडियो 28 वाले भैया जतिन भैया ने बहुत अच्छी एल्बम्स बनाई हैं, तो मैं उनकी स्टोरी भी डाल दूंगी, आप भी मतलब अगर करना चाहते हो उनको हायर अपनी वेडिंग्स के लिए कर सकते हो। पहले डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे को उन्होंने ब्राउन कवर्ड में रखा है, इनकी रेड कवर्ड में, मरून और मरून में, और ये जो है ये पूरा उन्होंने ग्लास ग्लास में बीच में इमर्स्ड हुआ है, ये लेदर में डॉक्टर टुक है ये ऐसे हैंडल वगैरह। नाउ लेट्स ओपन इट, What's inside this album, guys? तो गाइस जब हम इसको ओपन करते हैं तो ऐसे दो क्लैंप से दिए हुए हैं, ये ऊपर लाइट की थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो उसको अवॉइड करना, चलो क्योंकि लाइटिंग भी जरूरी है ना दिखने के लिए, खोलो तो ऐसे है। और मेरा नाम पहले क्योंकि हमारी एल्बम है नवलीन हर जो, तो उनकी एल्बम में रिवर्स है नाम पहले है, रिवर्स क्या हुई नीलव ना लगता हूं ना लिखते, तो ये है स्टार्ट, तो चलो अब हम देखते हैं। सी ऐसे बड़ी प्यारी सी, तो ओपन करते ही पहले ये जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं ये प्रोवाइडेड है, और ये जो मतलब मैट फिनिश आ रही है ना इस पूरी जो मतलब इन्होंने शीट यूज की है वो बहुत ही अच्छी। हाँ, लग रही है। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल ऐसे ग्लॉसी टेक्सचर आता है वो भी नहीं है, मतलब बड़ी सिंपल सोफिस्टिकेटेड से फोटो लग रही है। ये जो फर्स्ट पेज है इसमें पूरी सिर्फ इसी की है, गाइस पहचान रहे हो ना कौन है हम दोनों। सेकंड पेज में ऐसे कोलाज मेकर की तरह इन्होंने दो फोटोज एडजस्ट किए हैं, आगे ये कौन कौन आरशी बताती जाएगी साथ में, ये दोनों हरजोत की मम्मा है, ये मेरी मम्मा है, ये अब मेरी भी मम्मा है तो दोनों मम्मी है, और ये भी इनके रिलेटिव्स हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं। जैसे ये गर्ल्स का था पूरा, लड़कों की साइड में भी कौन खड़ा हुआ था, जेंट्स, ये मेरे नानू हैं, पापा, ये हरजोत के पापा हैं, ये हरजोत के मास्टर जी है ना, है ना, और ये पापा के फ्रेंड है अंकल है, हाँ, और ये मेरे मामू है, और ये सेम आगे ये भी अंकल है, ये मेरे फुफर जी है, और ये दोनों पापाज की। अगेन उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये पूरा आ जाता है, अच्छे हैं यार, है ना, ये भी अच्छी आई है, नाइस नाइस। और ये जब मेरे को याद आ जाता है, जब भी मैं देखती हूँ ना ये सारा मेरे को मोमेंट पूरा वो हो जाता है रिकॉल, ये जब हमने एंट्री की थी तब जब सबने हूटिंग की थी, साथ साथ में बताते भी जाना ये किस टाइम की है, गाइस सुनी ना थे उधर, और ये जब स्टेज में चढ़ने वाली थी तो इसको चढ़ा नहीं जा रहा था, लहंगा भारी था तो हाथ पकड़ना पड़ा, नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बोला था ऐसे पोज करो,
और ये स्टेज पे चढ़ते टाइम उससे पहले थोड़े तार ना चिपट जाना चाहिए तो चलो गाइस बच गई है, ये भी ठीक हुआ। और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने बैकग्राउंड में ऐसे हैंड्स दिए हुए हैं और ये पूरा यहाँ पे मतलब बड़ा क्रिएटिव करने का सोचा कि जैसे पूरा बैकग्राउंड ब्लर और ऊपर उस मूवमेंट की फोटो, इसमें भी पूरा जैसे हाथ पकड़ने का बैकग्राउंड ब्लर और आगे उस मूवमेंट की फोटो। गाइस ये आई दीदी जो अभी अभी देखो इसकी हालत, और यहाँ देखो दीदी कोई नहीं ठीक ही है, कोई इतनी माड़ी भी नहीं है। हम सारी बहनें जो रिंग ले जाती हैं तो कि मेरी मासी की बेटी है, ये बूजी की बेटी, ये ताऊ जी की बेटी है, ये भी मासी की बेटी, ये भी मासी की। ये कौन है? ये मेरी रियल दीदी सिस्टर। और यहाँ पे भी वैसे ही इन्होंने लुक देने का कोशिश की, मैंने भी रिंग बैठ के पहनाई थी तो दोनों की फोटोज। गाइज This is what Harjot Bhaiya gifted her. हाँ, उस टाइम वीडियो में क्लियर नहीं था तो ये मेरे को ब्रेसलेट था गोल्ड का, उन्होंने वो ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। तो ये मतलब तो जिस जिसका जो जो रेलिवेंस है उन्होंने साथ साथ में ग्रेडिंग भी काफी अच्छी की है, मतलब ब्राइट लग रही हैं चीजें, अच्छी लग रही हैं। अब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक है गाइस, जैसे होता है ना एक थोड़ा मतलब वैसे रिलेशन होता है, सही में सत श्रीकाल जी, ऐसे होता ना थोड़ा वैसे, फिर ये जब मम्मा ने मतलब शगन वगैरह दिया था, ये तब की है जब चुन्नी इधर आते हैं पीछे भैया हरजोत के, एंड ये इन्होंने मेरे लिए सेट लाया था डायमंड का, तब मैं मम्मा को बोल रही हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे याद है जब मैं बोल रही हूँ उनको और पापा यहाँ में मजाक कर रहे थे इसलिए मैं इनको भी कुछ बोल रही थी तो सारे हंस रहे हैं। फैमिली पिक यागी अगली फैमिली पिक गाइस, मुझे तो जा रही है छोड़ के चल इधर से नहीं करे हटना मैं बाजी। गाइज आपको मजा आ रहा है कि नहीं फोटो देख के कमेंट में जरूर बताना आपको अच्छी लगी कि नहीं। गाइज ये भी इसकी वन ऑफ द फेवरेट पिक है, ये वाली, ये वाली भी बहुत अच्छी, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है पिक, क्योंकि एक होता है ना प्यार जो होता है ना बिल्कुल नेचुरल, आर्टिफिशियलिटी नहीं, बिल्कुल नेचुरल, वो चीज बिल्कुल दिख रही है बहुत अच्छी। इन्होंने काफी बड़ी करके लगाया, आई एम हैप्पी कि इस पिक को इन्होंने इतना अच्छा बड़ा करके लगाया। और सबसे बड़ी बात की ये जो पीछे फ्लोरल डेकोरेशन हमने करवाई थी ना, ये भी पूरी पिक्स के साथ पूरा प्रॉपर कर रही है। ये नानू ये नानी इस पिक में, एंड ये हरजोत भैया के दादू, ये हमारी फैमिली की आ गई, पीछे उनकी फैमिली की थी। हाँ, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये मेरी चुड़ैल दीदी, और ये मैं हूँ, और यहाँ पे पारी हो रही है और ये हरजोत जी हैं। चलो ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है पिक, ये ना बड़ी ऐसी नेचुरल सी आई हुई है। एंड ये भी मैंने आपको बताया मेरी मासी है, ये गुरनूर, इसकी सिस्टर, दो बेटियां, ये हरजोत भैया के नानू, हरजोत भैया की नानी, एंड मम्मा पापा, उनके मामू का बेटा है। ये हरजोत के चाचू चाची, और ये भैया आगे, और ये मामू मामी आगे मेरे, और गिनी भैया, और ये आ गई मेरी बूजी छोटी वाली, उनके हस्बैंड, और हम, ये भी मासी हैं उनकी बेटी और बेटे, एंड इसमें भी ये भी बहुत अच्छी है, मतलब उन्होंने जैसे कंसेप्ट क्रिएट किया है कि एक पिक जो है आपकी पूरी प्रॉपर लगेगी, फिर साथ में फैमिलीज की डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, क्योंकि बड़ा क्लमजी सा ना लगेगी सारी फैमिली 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 आ गई। ये बड़ी बूजी हैं जो बारिक रहते हैं, और ये उनके हस्बैंड, ये भाजी ताई मम्मा, और ये छोटी वाली बाबी दीपू भैया की वाइफ, एंड ये परी दीदी उनके हस्बैंड, एंड दोनों देखा होगा इन्होंने भी डांस परफॉर्मेंस की थी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सब बोल रहे थे बहुत प्यारी थी। एंड ये भी मेरी मासी है, ये मासड़ जी, और ये उनका बेटा है, और ये देखो प्यारी सी मैं हूँ गाइस। और गाइस अब नेक्स्ट पेज में देखें तो ये ताई मम्मा ताऊ जी, और इसके बाद ये मेरी बड़ी बाबे की, ताऊ जी के बड़े बेटे की वाइफ है, अमन भैया श्रीनगर से तो वो आ नहीं पाए, एंड ये इनके बच्चे हैं दोनों, ये आप ये जानते हो गए, और ये ताऊ जी के छोटे बेटे जो है सनी भैया, और ये मेरी फेवरेट मुनचिन, और ये उनकी वाइफ, और यहाँ पे जो पीछे ताऊ जी दिखाए हैं उनके बड़े बेटे और भाभी, एंड ये मेरी चाची और चाची के बेटे नवजोत भी अभी नहीं आ पाए, कम फैमिली मेंबर्स यू कैन कंसीडर, ये वो है आंटी अंकल और उनकी बेटी, एंड ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, ये भी बूजी की बेटी, ये सेठी भी आप जानते हो गए, बारक जम जाते हैं अल्टीमेट सोर्स हमें घुमाने का, ये हाँ ये इनकी बेटी है, ये भी हमारे नेबर्स में है सीमंटी, और ये दीदी के सारे फ्रेंड्स हैं, ये जो कि स्कॉलर्स हो गए जो कलीग्स थे एंड में साथ में, फिर उसके बाद गाइस थोड़ा नाचने का परफॉर्मेंस आ गया है अब आगे, फिर ये आ गई हैं नाचने वाली लड़कियां अर्शी गुरशीन जोशीन, उसके बाद परी दीदी की बेटियां, मैं भी नाच रही हूँ गाइस, ये उसकी रैंडम क्लिक्स हैं परफॉर्मेंस के टाइम, हाँ, ये रैंडम क्लिक्स, और ये जब नाच रहे थे सारे, ये वो कभी कभी मेरे को लगता है ये दिन वापिस आ जाए, काफी अच्छी बनाई है यार, एंड ये
केक कटिंग के टाइम की, केक भी बहुत अच्छा बनाया था जो बेकलिशियस है, अवनी दीदी ने बहुत अच्छा केक बनाया, और ऊपर से ये इन्होंने रखा भी इतने बड़े फ्रेम में, काफी अच्छा लग रहा है। हैशटैग हरनव करवाया था हमने क्योंकि पूरा नाम वो नहीं आ रहा था। और ये हमारी जब केक काटने से पहले ये सारे केक, सारी यार मेमोरीज पूरी हो जाती है रिवाइव, ये केक काटने की तभी बोला ना उसी रेलिवेंस में लगाई है। चलो ये देखो गाइस, मानते हो, मानते ही किसी को बताओ, डेल तो इनकी है। ये मम्मा पापा की पूरी पिक्स है इधर, ये चुड़ैल दीदी और मम्मा की, ये देखो बेटा चुड़ैल क्यों बोल रही है, मम्मी प्यारी बन रही हूँ इधर तो। बस खत्म होने वाली है गाइस, नहीं नहीं मेरी फोटो रहती है गाइस, रुको अभी मत जाना। अगर आप गए, ये देखो दीदी आई ने इधर तो बड़ी डायन बनी है जुल्फ निकाल के, इधर घूम रही है और इधर मेरी मासी की बेटियों के साथ है, देखो तीन जगह आ गई है। मेरी गेस्ट तो एक्सप्लेनेशन दे रही है, अच्छा बोल दीदी ने भी ये लिया था, बोल गाइस दीदी ने भी बहुत अच्छा। और बड़े सारे लोगों ने पूछा आपने ड्रेसेस कहाँ से लिए, कुर्ते तक पूछे हुए, तो वो उसके लिए अलग व्लॉग कवर करूंगी, वो हम अभी क्यों बताएं आपको, एक ही चीज में दो दो चीजें क्यों बताएं, तभी तो बोला बाद में बताएंगे। और ये गाइस मेरे सारे कजन्स हैं फ्रॉम दाद के वाली साइड से, मेरे दादू नहीं आ पाए क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम बाद में गए थे उनसे मिलने। तो इनकी इंट्रोडक्शन सबकी हमने पहले ही दे दी। ये मासी की फैमिली की है और ये नानू की साइड के सारे कजन्स हैं, मोस्टली बाहर ही चल गए हैं, एंड में भी इन्होंने पूरे, ये जब मेकअप के टाइम मिलने आए थे ये तब की है, ये एंड में भी पूरा इन्होंने फिर से एक बार इन दोनों के सिनेमेटिक से खत्म। चलो गाइस से ये एंड के जो पेजेस हैं एंड पर हमारी एल्बम हो गई मम। और एल्बम का कंसेप्ट भी बहुत सोच के बनाया, ये नहीं कि रेंडमली कहीं पे भी पिक्स डाल दी अरेंज कर। तो अब हम हरजोत भैया वाली एल्बम खोलने लगे हैं, उसमें जो कॉमन फोटोज थी फैमिली वाली वो तो सिमिलर रहेंगी, बट रिलेटिव्स की फोटोज जो है वो शिफ्ट होंगी वो। और यहाँ पे इन्होंने अलग रखी है ना पिक्स, हमारे में अलग थी, यहाँ पे अलग है और बाकी वही यूज किया हुआ इन्होंने ऐसे ग्लास का टेक्सचर करके। अभी इसको ओपन करते हैं। तो ये इनका जो फ्रेम है, एक तो हरजोत ऊपर है, सोएस्टो की डिस्टिंग्विश कर लिया जाए कि उनकी एल्बम है, और इसमें भी पिक्स पूरी अलग अरेंज। तो गाइस पिक्स हमारी ही हैं लेकिन अलग पिक्स है। वही है कि जैसे अगर हमारी सपोज करो 50 पिक हैं तो 25 उस एल्बम में है, 25 इस एल्बम में है, पर कुछ कॉमन भी है। हाँ, कुछ कुछ कॉमन। ये फटाफट देखते चलो अब, ठीक है, हमें आपने बहुत देख लिया। ये उनकी एंट्री के टाइम के हरजोत की मम्मा की, और ये जब पहले नीचे सारे इकट्ठे हो रहे थे अनुथम के बाहर, जब इकट्ठे हुए थे तभी भैया ने लिए, जतिन भैया ने, एंड इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, ये मैं यही देख रही हूँ। और ये सारे वही जो आपको एंट्रेंस वाली पिक्स बताई थी, ये कॉमन है, ये हरजोत भैया के कजन जिनकी शादी थी रिसेंटली, अब वो है इनके नानू आगे, मामू चाचू, ये वाली पिक सेम है। हाँ ये वाली सेम रखी हुई है, ये भी सेम है, ये भी सेम है गाइस। हमारी वाली एल्बम में मेरी कजिन्स के साथ ही, इसमें जयदीप भैया के साथ है। तो ये जब आए थे हमें रिंग्स देने, ये तब की है। ये पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, इसको हंस रही है, पता नहीं मैं भी हंस रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी सेम है, एंड ये भी सेम है, ये भी सेम है, माय फेवरेट पिक, ये भी सेम है, ये भी सेम है जो आपको बताई, ये इसमें जैसे हमारी फैमिली की थी उधर दोनों की थी। हाँ दोनों की, ये भी सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें ये डिफरेंट है। हाँ, ये डिफरेंट है, यहाँ चुड़ैल दीदी मेरे पास बैठ गई आके, बच्चे अब बस कर चुड़ैल। और यहाँ दोनों मम्मियों की भी है। और ये गाइस इस पिक का मैंने नाम डाला मिलियन। एक मिलियन व्यूज आया यार इस पे, मिलियन व्यू पिक है यार गाइस, यही वाली पिक है। और ये भी बड़ी अच्छी है, यहाँ पे भी भैया कुछ बोल रहे थे, हंसी आ गई थी। चलो ये उनके रिलेटिव्स की हैं, आपको बताया चाचू चाची, ये भी कॉमन थे, ये भी इनके रिलेटिव्स हैं, ये भी जैसे उनकी भूजी हैं तो उनके हस्बैंड, ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना पवन, तो ये उनके इन लॉज हैं, ये हरजोत के भूजी हैं, ये भैया की शादी थी उनके छोटे ब्रदर, ये उनके कजन्स, ये फिर से पिक, ये उनकी दोनों मासी हैं, ये दोनों मासी हैं हरजोत के, ये भी कॉमन है पिक, ये मामू आगे, ये दूसरे मामू, बड़े मामू, उसके बाद ये भी, और ये थोड़ी कंबाइन है। हाँ ये कंबाइन है लेडीज के, ये दोनों बूजी हैं, ये चाची हैं उनके, ये भी थोड़ी, और ये हमारी आ गई इसमें, यहाँ पे भी रिलेटिव्स, और ये नानी है हरजोत के, ये हरजोत भैया के भैया, हरजोत भैया के बेस्ट फ्रेंड, और ये भी सारी फिर डांस वाली सेम ही है। हाँ, ये सारी सेम, ये कंबाइंड फोटोज जो कंबाइंड है वो सेम है,
एल्बम में। तो ये भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। बस इसमें लास्ट में जैसे उसमें हमारी और कजन्स की फोटोज थी, इसमें इनके कजन्स की फोटोज हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट वही फोटो की गई है। और इसमें जैसे मेरी थी तो डैल देख रहे हो भैया की, जयदीप भैया नहीं मानते किसी को, देख रहे हो डैल। इसमें भी वैसे सिनेमेटिक की पिक किया हुआ है बट पिक्स थोड़ी डिफरेंट, पूरी इन्होंने एक मतलब ऐसा लगा दिया हुआ है अलग फ्रेम। ये भी अलग, ये भी अलग। खत्म हो गई गाइस। तो गाइस ये थी दोनों की एल्बम्स, आई होप आपको पसंद आई होगी। बताना जरूर कमेंट में कैसी लगी, एंड मेरे को तो पर्सनली काफी अच्छी लगी। जिस हिसाब से मतलब जो जो सीन चल रहा था उसके हिसाब से उन्होंने पूरी ओरिएंटेशन बड़ी सही की हुई थी। थैंक यू जतिन भैया एंड हरजोत को मैंने वीडियो कॉल पे पूरी एल्बम बता दी थी, दोनों को दिखा दी थी, तो उनको भी काफी अच्छी लगी। तो गाइस आपने हम दोनों के ब्लॉग को बहुत 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 प्यार दिया, आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, जैसी जैसी चीजें होती जाएंगी आपको अपडेट करते जाएंगे। कसम से यार कभी हुडी उतारती हूँ कभी पहनती हूँ, ऐसा मौसम चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस अभी हम डिनर करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो आज का गाइज व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। और ज्यादा प्यार दो और ज्यादा सपोर्ट दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।